आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए बरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई है। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों के भी प्रेरणा देने वाला है वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है।